इंडिया कैंपेन पावर्ड बाय पेप जूस, यानी पेप जूस ऐसा जो बढ़ाए हमारा स्टैमिना, करे हार्मोन्स को बैलेंस और दे इंस्टेंट एनर्जी। और ये आपको मिलेगा आपके अपने जिम में या फिर कॉल करें 8010727232 पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नेशन लाइफ की हमेशा से ही ये मुहिम रही है कि सभी लोग स्वस्थ रहें, और आप जैसे स्पेशलिस्ट हमारी जनता को बताते रहें कि फिट कैसे रहें। उसी तरह आज हम जुड़े हैं दिल्ली के डाबरी इलाके में, यहाँ पे आकाश फिटनेस जिम है और नेशन लाइफ की मुहिम है, सेगमेंट है कीप्स यू हेल्दी पावर्ड बाय पेप जूस। पेप जूस एक एनर्जी ड्रिंक है जो इंस्टेंट एनर्जी देता है और स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। तो आज हम आकाश जी से जानेंगे कुछ हेल्थ के बारे में। सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपने अपनी करियर की शुरुआत कैसे की। मैंने अपनी करियर की शुरुआत सबसे पहले एक जिम में ट्रेनर की जॉब से करी थी, जो कि मैंने 2016 में स्टार्टिंग किया था जब मैं 17 साल का था। उस टाइम मैंने ट्रेनर की जॉब स्टार्ट करी थी। जब मैंने धीरे धीरे अपना वर्कआउट स्टार्ट किया था 2018 में, मैंने अपने गेम स्टार्ट किए थे बॉडी बिल्डिंग्स वगैरह। 2019 में मैं जाके सबसे पहले चैंपियन बना था मिस्टर दिल्ली। उसके बाद मैं उसके 2019 के दिल्ली बनने के बाद मिस्टर नॉर्थ इंडिया बना था, और 2019 में मिस्टर हरियाणा बना था, और उसके बाद से चली रही है ये लाइन बस जी। इन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बहुत अच्छा बताया। सर, मैं आपसे एक हेल्थ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। आजकल का जो लाइफस्टाइल हो गया है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि लोगों को कैसी डाइट लेनी चाहिए जिससे अपनी सेहत जो है वो अच्छी रहे। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि लोगों को बाहर का खाना बंद करना पड़ेगा। जो आजकल बाहर जो सब चाइनीज फूड ये सब बहुत ज़्यादा चल रहा है, घर का खाना लो, अच्छी डाइट लो, और 24 घंटे में से एक घंटा अपनी सेहत के लिए जिम में निकालो, जो कि सबसे बेस्ट है। और क्लीन डाइट रखो, अपने ट्रेनर पे फोकस रखो, जिम पे फोकस रखो बस। आपके हिसाब से अच्छी डाइट क्या होगी, क्या खाना चाहिए लोगों को? सबसे अच्छी डाइट तो घर का खाना होगा जो घर में बनता है, उससे अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है। और बस बात अगर खाने की जाए तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो हम खा रहे हैं क्या वो हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन दे पा रहा है? नहीं, आज के टाइम में तो मतलब अगर आप बाहर से कुछ भी खा रहे हो तो प्रॉपर न्यूट्रिशन है ही नहीं, क्योंकि आजकल खाने में बहुत मिलावट ये सब चल ही रहा है, जैसे कि आप जानते होंगे। ये बात बिल्कुल सही कही सर ने, खाने में मिलावट है तो प्रॉपर न्यूट्रिशन तो हमें नहीं दे पा रहा है। तो आपकी तरफ से क्या हमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड ऑन करना चाहिए? एक्स्ट्रा तो करना ही चाहिए, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपको अपनी डाइट्स में थोड़ा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स ये सब बढ़ा के रखना चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं आफ्टर कोविड सब लोग हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके जिम में इसका क्या इफेक्ट पड़ा है, लोग बड़े हैं या लोग कम हुए हैं? हमारे जिम में तो मतलब कोविड के बाद में लोगों को बहुत जागरूकता हुई है कि मेटाबॉलिज्म सिस्टम अपना अच्छा करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए लोग बढ़ ही रहे हैं, और कोविड के बाद में तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गए हैं, क्योंकि उनको पता चला है कि उनकी जो अंदर की मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो बहुत वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए लोग अब डेली बाई डे आ रही है एक्सरसाइज करने, और अपनी डाइट को भी अच्छा कर रही है। तो मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, मेरा आखिरी सवाल है, आप हमारी जनता को हेल्थ से रिलेटेड क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, हेल्थ से रिलेटेड यही देना चाहेंगे कि अपने 24 घंटे में से एक घंटा अपना जिम पे निकालो, बाहर के खाने को थोड़ा कम करो, घर का खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ, अच्छी मेहनत करो बस। तो अच्छी मेहनत कीजिए, अच्छा खाइए और स्वस्थ रहिए। मैं दिव्या पांडे, कैमरामैन रोहित जोशी के साथ, धन्यवाद।